मेजर, ये शब्द मिलिट्री में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अपने टीम का लीडर होता है, जो अपने टीम की हर जीत में खुश होता है, हर दुख में मायूस भी। तो इसी बात पर हमारे इंडियन आर्मी को कोटि-कोटि प्रणाम। तो ठीक ऐसे ही हमारी इंडियन ऑटोमोबाइल निर्माता महिंद्रा के पास भी ठीक ऐसे ही एक गाड़ी थी, जिसका नाम था महिंद्रा मेजर। मेजर नाम अपने आप में ही दायित्व का एहसास दिलाता है। और आज के इस वीडियो में आप मेरी ही कहानी सुनोगे, ये कहानी मेरी शुरुआत से लेकर मेरी अंत की। सो लेट्स बिगिन द इंट्रो। मेरी कहानी शुरू होती है साल 2004 में मेरी मार्केटिंग से इंडियन मार्केट में। मैं बेसिकली अपडेट था जीप CJ3B का। मैं नई जेनरेशन चैसिस पर निर्मित कार था। ये चैसी पहली बार 1998 में लॉन्च हुई कार आर्मादा में इस्तेमाल किया गया था और वही चैसी मुझ में भी दिया गया था। मैं मेरी पुराने मॉडल CJ3B जीप से थोड़ा अलग था, जैसे कि ज्यादा शक्तिशाली और फ्यूल एफिशिएंट MDI 3200 इंजन। इस इंजन की खासियत थी क्विक स्टार्टिंग रिस्पांस और कम ऑयल पीना। इसके अलावा इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ज्यादा एवरेज देने के लिए और कम मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस कॉस्ट को कम रखने के लिए रियल एक्सेल और OEY एक्सेल में भी बदलाव किए गए थे। इसके अलावा इंटीरियर और एक्सटीरियर में भी अपडेट थे, जैसे कि नई विनाइल सीट्स, नई स्टीयरिंग व्हील, नई फ्रंट एप्रॉन कवर, न्यू सुपर स्ट्रक्चर और नई कैनोपी, रेडियल टायर्स, अच्छी राइड एंड हैंडलिंग। मुझे जो इंजन लगाया गया था वो हार्वेस्टर में इस्तेमाल होती थी, तो उसी डीजल इंजन को मॉडिफाई करके मुझे लगाया गया था, जो कि 63 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। मैंने रिप्लेस की थी CJ500D या फिर CL550 मॉडल्स को। इसके बाद मेरी एंट्री इंडियन रोड्स पर बंद हो गई साल 2010 के अक्टूबर के महीने में। तो यही थी मेरी छोटी सी कहानी स्टार्ट टू एंड। तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऑल नोटिफिकेशन के साथ। अब मुझे इजाजत दीजिए, भाई मिलेंगे आपसे अगले आने वाले वीडियोस में। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।